सेकंड मेथड से कितने लोग सफल हुए? भैया ये फर्स्ट लेक्चर है, फिर भी आप आखिरी के दो लोगों से क्यों नहीं बन रहा? तुम ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछली क्लास अटेंड नहीं करी, आखिरी में तुम बैठे होगा। टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स प्लस नाइन बराबर जीरो। परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाने से पहले हमको इसे हटाना जरूरी है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन अपॉन टू एक्स प्लस नाइन अपॉन टू। ऐसा नहीं करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा। हेलो हाई, इधर तो देखो, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमें टू चाहिए, तो टू का मल्टीप्लाई और टू का डिवाइड, तो दो दूनी चार हो गया। अब हम थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, इस आइटम का स्क्वायर जोड़ेंगे और घटाएंगे। और ये उठ के सामने चला गया, सही है? एलसीएम लेना आता होगा, मैं सिखा रहा हूं नया तरीका। ये 16 है, ये 2 है, मैं 2 में काय का मल्टीप्लाई करूं कि 16 हो जाए, तो 8 का मल्टीप्लाई 8 का डिवाइड 72 अपॉन 16, ये भी 16, ये भी 16, 16 तो ये क्या है, तो ये क्या हो गया, तो x प्लस 9 बाई 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाया, प्लस माइनस के साथ घूंघट आएगा, सीधे होके बैठो तो हाइट बढ़ेगी, नहीं तो पता चला एक्टिवा में भी पांव नहीं पहुंच रहा है। जब भी बैठो रीढ़ की हड्डी सीधी रख के बैठो, अभी एक आध साल और हाइट बढ़ेगी फिर बंद हो जाएगी, फिर तुम कितने भी सीधे बैठ जाओ नहीं बढ़ेगी। रात को आप लोग सोते हैं तो आपके कमरे में धुप अंधेरा होता है एकदम, या नाइट लैम्प चलता है? बस ये नाइट लैम्प ही प्रॉब्लम है। मैं आपको बता दूं, हमारी पूरी बॉडी में आंख के अलावा भी लाइट के सेंसर्स होते हैं, और इंपॉर्टेंट चीज, हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारी हड्डी और नाखून, ये पागल टाइप का देखो लिखने में लगा, ये नए डेवलप होते हैं जब
अंधेरा होता है। तो यदि तुम दिन में तो सनलाइट में जी रहे हो, ट्यूबलाइट में जी रहे हो, और रात को भी तुमने नाइट लैम्प खुद पे लगा दिया, तो हमारी स्किन चेंज होती है, नखून आते हैं नए, बाल भी पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं धीरे धीरे। ये सारा डेवलपमेंट, हड्डियों का बढ़ना यानी कि हाइट बढ़ना, वो भी सिर्फ अंधेरे में ही संभव है। और आप अंधेरे में जा ही नहीं रहे हो तो वो सारी प्रोसेस रुक जाएगी। मतलब कुछ लोगों का घर ऐसा होता है कि बाहर की स्ट्रीट लाइट घर कमरे में आती है, वो भी नुकसानदायक है। पर्दा लगाओ। बोलो साहब। तो x इज इक्वल टू, ये उठ के इधर आ गया, प्लस माइनस क्या, 4 माइनस 9 प्लस माइनस 3। अब इसमें से दो तीर निकालना आप। कितने लोगों ने इस मेथड्स को भी पूरा सॉल्व करके आंसर निकाला? एक्चुअली 2 का डिवाइड करना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, वो सिखाने के लिए ही सेकंड क्वेश्चन दिया और उसमें 2 लिखा मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है तुम कहां गलती करोगे। लिखो साहब, फिर से अगला क्वेश्चन, जिन लोगों सफल लोगों के लिए प्रूफ फार्मूले का वो कर देते हैं। चलो तुम लोग उतनी देर बैठ, तो फिर एक क्वेश्चन कर दो ना, फ्री बैठे हो तो। तीनों मेथड, हाँ ऑब्वियसली। अकेली रोटी खाते होगा तुम घर में, सो सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, अचार भी चाहिए, तो मुझे भी सबरे मेथड चाहिए। वो बाकी दो तीन लोग क्या छाप रहे हैं यहां बैठ के, भगा दूंगा मैं। फीस तो लेता नहीं हूं कि मुझे कोई मोह माया हो तुमसे, ना तुम रिश्तेदार के बच्चे हो, अपन तत्काल भगा देंगे। यदि तुमसे अगले और दो तीन क्वेश्चन नहीं बने तो भैया घर जाओ, मोहल्ले में पढ़ो, फीस दे के छवा झम झमा झम छाप रहे हो, फिर अगला क्वेश्चन बनता नहीं है, यूं करके बैठ जाते हो आराम से कि अभी पागल करेगा अपन छाप लेंगे, यही सोचते हो ना। हां केरिया, वो बताओ कौन। अरे आप लोगों ने अपने दोस्तों को बताया कि नहीं कि अब सुहाग हफ्ते में 3 दिन उपलब्ध है, और जो बच्चे मान लो नहीं आ सकते, टाइम टकरा रहा है, वो किसी भी दिन आए और वीडियो से पढ़ाई करें। मैं रोज कैमरा से रिकॉर्डिंग करके सर्वर में डाल देता हूं, अपनी बाहर वीडियो ले बहुत बड़ी। ईयरफोन अपने अपने लेकर आना है, 30 रुपया के मिलते हैं बाजार में, और उसमें बोलने वाले खरीदने की जरूरत नहीं है, वो वाले खरीदो। कौन से? सिर्फ सुनने वाले, आईपैड के जो कहलाते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, 30 रुपए में मिलते हैं, बोलने वाले महंगे होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला ये लिखा,
मिटा दूं इसको, मिटा दूं। होमवर्क लिखो। अरे जगह छोड़ के लिख लो होमवर्क, यदि ये लिखना बाकी है तो लिखो। होमवर्क करके ऊपर की सफेद पट्टी में लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में होमवर्क, ऐसा लिखो। घर पे मैथ्स की जितनी बुक है उसमें जितने भी क्वेश्चन नंबर वाले हैं, अबे लिखना बे, क्या खड़े हो तुम, क्यों नहीं लिख रहे? अबे पहले बता क्यों नहीं लिख रिया, अभी तो हिंदी में बोल रहे हो पागल। हिंदी में बोला ना मैंने, वो सारे तीनों मेथड से करना है, कम से कम 50 क्वेश्चन, यानी 150 हो गए। 50 क्वेश्चन तीन तरीकों से, यानी कितने क्वेश्चन हो गए? 150। अरे गोलू, इस एक को करने में कितने मिनट लगे? 2 मिनट। तो 150 × 2 मिनट 300 मिनट। स्कूल में तो 6 घंटे फालतू ही जाते हैं अपने, वो पढ़ाते होते तो तुम यो यहां क्यों आते होते? सिंपल। वहां व्हाट्सएप चलता है क्या स्कूल में? चलता है, मैं बता रहा हूं कैसे चलता है। तुम लोग घर में व्हाट्सएप के चुटकुले पढ़ते हो और स्कूल जाके दोस्तों को सुनाते हो, ऐसे व्हाट्सएप वहां चलता है क्या, बिना नेटवर्क के क्या? चलिए अब लिखिए प्रूफ ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। कितने लोग प्रूफ जानते हैं? अरे नहीं जानते, आइए मैं कर देता हूं। बातें न करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0।
देखना भाई, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू क्या? एक्स स्क्वायर प्लस टू बी बाई टू ए एक्स प्लस सी बाई ए, ये बना क्यू। तो इसका स्क्वायर जोड़ो और इसका स्क्वायर घटाओ। एक्स स्क्वायर प्लस टू बी अपॉन टू ए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का स्क्वायर जोड़ा और बी अपॉन टू ए का स्क्वायर घटाया। या पहचान कौन? एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब वो एक पागल हर बार एक्स स्क्वायर बोलता, मतलब तुम पहचान गए ना पागल कौन है। और ये सब उठ के उधर चला गया। सही है। एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर इजिकल टू ये स्क्वायर उधर जाएगा। फोर ए स्क्वायर का रूट टू है। ये उठ के उधर चलो गियो तो क्या हो गया? टू ए एक जैसा एलसीएम हो गया। लो ध सड़ू क्या? इतनी देर से थर्ड मेथड में यही तो कर रहे थे। छापना नहीं है, बहुत देर तक देखो, नैनो में भर लो, फिर कॉपी में भर लो। कहीं ना 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 नी ना 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 मैं ये एक पीला कागज बांट रहा हूं आप लोगों को, इसको एक बार पढ़ लेना। इस सुनो, इस कागज का इस फ्री क्लास से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप मेरे यहां दसवीं क्लास फ्री बचे हुए पूरे साल पढ़ सकते हो, चाहे आप मेरे यहां इलेवेंथ पढ़ो या नहीं पढ़ो, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि मैंने आपको फ्री में बुलाया और फिर मैं इलेवंथ के एडमिशन का बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये तो बस आप फायदा उठा लो, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है ऐसा। एक और ले लो दीदी, भैया को दे देना, नहीं तो किसी सहेली को दे देना। पढ़ लो इसको, पहले पढ़ो, अब भी अर्जेंट पढ़ो। एक और ले ले, दोस्तों को देने में काम आएगा। भैया पहले इसको पढ़ लो, तुम फार्मूले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ पढ़ लेना, मगर जी मैडम। और ले भैया, ले भाई, हिंदी में लिखा है खत क्या। और एक बहुत जरूरी बात,
तुम खुद मेरे यहां इलेवेंथ पढ़ना चाहो या न चाहो, क्या सुनो सुनो, लिखो मत और पढ़ो भी मत, मगर यह लेटर आज माता पिता को दोनों को बिठाल के जरूर पढ़वा देना, क्योंकि ये बाहर कंप्यूटर्स लगे हैं खूब सारे और मैं साल भर संडे टू संडे पढ़ा रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे, मगर मैंने MWF कर दिया टाइम तो वो लोग आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इस कमरे में बच्चे कम दिख रहे हैं आपको। ट्वेल्थ का तो हॉल भर जाता है, खिसक खिसक के बैठना पड़ता है, और इलेवंथ में भी ऐसे ही हालत है, कभी आप TTS आके देखिएगा। और बाहर के जो कंप्यूटर्स हैं लगभग 36 लगे हुए हैं, तीसरे कमरे में भी लैब चालू हो गई अपनी, उन कंप्यूटर्स पर विजन स्पेक्ट्रम कैटलाइजर फिटजी सभी कोचिंग के बच्चे यहां आके मैथ्स पढ़ते हैं, वहां भी 1,00,000 रुपया देते हैं, और चूंकि वो लेट एडमिशन लेते हैं इसलिए वो लोग मुझे 41,000 देते हैं सिर्फ वीडियो से पढ़ने का। आमने सामने तो बेचारे बैठ ही नहीं पाते क्योंकि उनकी कोचिंग होती है उस समय। तो बाद में तुम जब आओगे और तुम्हारे मां बाप कहेंगे कि डिस्काउंट करो, तो मैं नहीं करूंगा, तो उस समय फिर मैं कहूंगा कि मैंने आपके बच्चे को कागज दिया था और तुमने उनको नहीं दिखाया और पापा का नुकसान हो गया 20,000 का, तो घर जाके तुम में दे थप्पड़ क्या कि तुमने बताया क्यों नहीं, एडमिशन लेना नहीं लेना आपकी मर्जी, मगर जानकारी दे दो। यस, इसको सुकून से पढ़ लो एक बार, उसके बाद बोर्ड पे जो लिखा है वो अपनी कॉपी में पहुंचा दो, सुकून से पढ़ लो उस लेटर को, उस पे अपना नाम लिख लो और आज आपको मिला तो आज की डेट डाल दो। मैंने उस समय की डेट डाली है जब मैंने इस नोटिस को टाइप करवाया था, और मैंने उस समय आप लोगों को मौखिक बोल दिया था, आज मैंने लिखित दे दिया। इसको लिखो साहब, लिखो लिखो। अच्छा, खास चीज, अपने यहां जो बच्चे पढ़ते हैं वीडियो से वो अपनी अपनी दूसरी कोचिंग में मैथ्स में फुल लाने लगते हैं टेस्ट सीरीज में, और वो बच्चे जो यहां नहीं पढ़ने आते अपनी ही कोचिंग पे भरोसा करके बैठ जाते हैं उनके नहीं आते फुल। यानी कि मेरी टेस्ट सीरीज में फुल आए तो बड़ी बात नहीं है, मगर दूसरी कोचिंग में मैं आपको टॉपर बना देता हूं। लिखो साहब, जल्दी लिखो। अच्छा, रेड बुक आप सभी बच्चों को मिली मेरी तरफ से गिफ्ट, रेड रेड फॉर्मूला, हाँ, किसी को ना मिली हो तो बोलो, मैं अभी दे दूं। रेड बुक करके कुछ मिला नहीं मिला? हाथ उठाओ भाई, ये वाली रेड बुक की बात कर रहा हूं मैं। डबल वबल मत लेना मेरे से, है ना, बहुत महंगी छपी है ये। इसमें यहां पे अपने रिजल्ट है 120 में से 115, 100, 100, 93, 93, 92, 115 पहले भी आ चुके हैं 2013 में, और ये IIT एडवांस का रिजल्ट। उसके बाद क्लास 12th फाइनल बोर्ड एग्जाम में 99, 99, 96, 95, 95, 95, 95, 95, पूरी लिस्ट CBSE, ये MP बोर्ड,
एमपी बोर्ड में स्टेट रैंक 7 भी अपने पास। तो ये सब माता पिता को बता देना, बाद में अपन डिस्काउंट नहीं करेंगे। अभी मैंने थोड़े दिन पहले टीचर्स डे ऑफर निकाला था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया। उन बच्चों को कितने हजार का फायदा हुआ? 6,000 का फायदा हुआ। 5 सितंबर के पहले एडमिशन लेने पर